राम राम। मैं पंडित एसके मिश्र। एक ऐसी पौधे का फूल जिसको आप अपने हाथों पर बांध लेंगे, अगर पुरुष वर्ग है तो दाहिने हाथ पर बांध लेगा और स्त्री वर्ग है तो बाएं हाथ पर बांध लेगा। मात्र इतना ही करने से जिसको भी आप चाहें उसको अपने बस में कर सकते हैं या बस में कर सकते हैं। इस प्रयोग में किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है, छोटा सा प्रयोग है मगर अपने आप में प्रचंड रूप से असरदारी प्रयोग है। इसे कोई भी कर सकता है, बालक बालिका, युवक युवती, स्त्री पुरुष, कोई भी कर सकता है और किसी को भी अपने बस में कर सकता है। मगर मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि कदापि हमारे द्वारा बताए गए इस प्रकार के प्रयोग का लेस मात्र भी दुरुपयोग न करें। यदि आपके रिश्तों में अनबन बढ़ती जा रही है, बात बात पे लड़ाई झगड़े क्लाइसिस बढ़ते बढ़ते, मनमुटाव बढ़ते बढ़ते तलाक तक की नौबत आ जाए या ब्रेकअप तक की नौबत आ जाए या ऐसी दुरूह स्थितियाँ नौ भी उत्पन्न हो और आपको लगता है कि आपके रिश्तों में प्रगाढ़ता दिन रात घटती जा रही है, तो इसका प्रयोग करके आप देखिएगा आपका संबंध पहले जैसा हो जाएगा या प्रगाढ़ता पहले से भी अधिक अच्छी स्थिति में हो जाएगा। जब भी आप कोई प्रयोग करें तो अपनी एनर्जी को भली भांति आपको रीड करना है। यदि वशीकरण पावर प्रभावशाली अवस्था में है, बैलेंस अवस्था में है, तो जब भी आप कोई प्रयोग करते हैं तो उसमें आसानी से आपको सफलता मिल जाती है। और यदि यह वशीकरण पावर बैलेंस अवस्था में नहीं है तो कोई भी आप प्रयोग करते हैं तो उसमें आसानी से सफलता आपको नहीं मिलती है। हो सकता है कि उसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगे। अतः आवश्यकता है कि अपने भीतर वशीकरण पावर ट्रांसफर लें, एनर्जी को बढ़ा लें और सम्मोहन क्षमता को विकसित कर लें। थोड़ा सा समय दे करके हमारे माध्यम से अपने घर बैठे कुछ छोटी छोटी साधनाएं जिसको आप सीख सकते हैं। मगर यहाँ पर मैं जो प्रयोग लेके आया हूँ यह प्रयोग भी अपने आप में चमत्कारिक प्रयोग है, असरदारी प्रयोग है। आप इसको अजमा के देखिएगा किस तरह का चमत्कार आपके सामने उपस्थित होगा। इस प्रयोग में आग के फूल की आवश्यकता है। किसी भी आग के पौधे के पास आपको जाना है और उसमें से जो ऊपर फूल लगा होता है उसको लाना है। पहले तो आग के पास जाकर के उनको नमन करना है, उनको प्रणाम करना है और उनसे आदेश लेना है कि हे वृक्ष देवता, मैं कुछ अंश आपका लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ वशीकरण के प्रयोग के लिए, कृपया हमको थोड़ा सा आशीर्वाद दें, अपना अंश प्रदान करने की कृपा करें, मैं आपका आभारी रहूँगा या आभारी रहूँगी। उसके बाद उनका फूल आपको तोड़ना है, उसके बाद फिर से उनको नमन करना है और आपको कहना कि अगर मुझसे जाने जाने में कोई भूल चूक हो तो हमें माफ़ करें और उनको प्रणाम करके आप वापस घर आएं। मगर जब भी आप यह प्रयोग करें तो ध्यान दीजिएगा उस समय घनिष्ठा नक्षत्र होना चाहिए, अर्थात घनिष्ठा नक्षत्र में ही आग का फूल आपको तोड़ना है, लाना है। घनिष्ठा नक्षत्र कब पड़ता है गूगल पर सर्च कर लीजिएगा या अपने पास पड़ोस के पंडित जी से आप संपर्क करके जान लीजिएगा। आप अपने घर पे आग का फूल ला दिए हैं, उसके बाद धूप अगरबत्ती जला लीजिए और अपने इष्ट का आपको स्मरण करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं तो बिल्कुल निराश होने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करें, प्रक्रिया करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दे और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप जो फूल लाए हैं कनिष्ठा नक्षत्र में उसको अपने इष्ट का स्मरण करते हुए, यदि आप पुरुष वर्ग हैं तो अपने दाहिनी भुजा पर यहाँ बांधिए, चाहे यहाँ बांधिए या गले में कहीं पहन लीजिए
और यदि स्त्री है तो अपने बाएं भुजा में बांध लीजिए, या बाएं कलाई पर बांध लीजिए, या अपने गले में पहन लीजिए, या ऊपर कहीं रख लीजिएगा। इसके बाद जिसके भी सामने जाएंगे, जिस पर भी आपकी दृष्टि पड़ेगी या जो भी आपको देखेगा, और यदि आप अपने मन में कल्पना करते हैं कि वो आप पर मोहित हो जाए, आपके वशीकरण पास में बन जाए, आपके बस में हो जाए, अवश्य ही वो आप पर मोहित हो जाएगा, आपके वशीभूत हो जाएगा या वशीभूत हो जाएगी। मैंने आप भली भांति समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर यदि आप लोग के जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्या है तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं, अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन कर सकता हूँ, पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। धन्यवाद। राम राम।